आज ऐसा भी समय आएगा हमने नहीं सोचा था हमारी ही विधानसभा में बैठकर हमारे ही बीच में बैठकर जो बिल्कुल ही मेरे लेफ्ट साइड में बैठते थे हमारे रामलिंगा रेड्डी जी जो हर बार कोई ना कोई सब्जेक्ट पर बात करना और व्यक्तिगत रूप से बहुत ही सुंदर व्यक्ति थे कभी कभी मार्गदर्शन भी देते थे कि आप इस प्रकार से बात कीजिए आप आपकी विधानसभा में इस प्रकार से कार्य कीजिए क्योंकि सीनियर थे तीन बार के विधायक थे तो हम भी सोचते थे कि सीनियर से हमें मार्गदर्शन मिलेगा अच्छा सा मार्ग मिलेगा ये सोच कर हम उनसे बात भी करें तो बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स देते थे आज हमारे बीच में नहीं ये बहुत ही की बात है वैसे तो उनके साथ में बिताए हुए कई मंत्रीगणों ने भी बहुत ही अच्छे से उनके कार्य के बारे में बताया है सुनकर और बहुत अच्छी प्रसन्नता महसूस हुई वैसे तो विधानसभा में अनेकों पार्टियां हैं यहाँ पर लड़ते हैं लेकिन बाहर एक परिवार की तरह से हम लोग रहते हैं एक दूसरे का दुख बांटते हैं यथाशक्ति अनुसार एक दूसरे को सहयोग करते हैं ये प्रेम बन, बना रहता है आज हमारे बीच में नहीं है ये बहुत दुखद बात है मैं मेरी पार्टी की ओर से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और साथ ही साथ मैं अध्यक्ष जी को ये कहना चाहूँगा कि प्रणब मुखर्जी के बारे में भी मुझे श्रद्धांजलि अर्पित करना था लेकिन शायद आपका ध्यान नहीं आया उनको भी मैं पार्टी की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और नौ लोग जो पूर्व विधायक थे जो हमारे बच नहीं हैं और उनमें महाराजगंज के हमारे रामास्वामी जी जो मंत्री रहे विधायक रहे पार्षद रहे उनको भी मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और मुझे बात करने का जो अवसर दिया है आपको हृदय से धन्यवाद प्रकट करता हूँ धन्यवाद